हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो हम लोग हो गए हैं शादी के लिए तैयार। अब हम जा रहे हैं उनके घर, मतलब अपने घर। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये जो मेरा ब्लॉग होगा वो होगा शादी के इसमें, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो ये रही हमारी दुल्हन। आज है हमारी दुल्हन की विदाई। तो यहाँ पर दे रहे हम दुल्हन को जो दान देते हैं ना, जैसे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि टीका। टीका मतलब सूट, पैसे, जो भी गिफ्ट गुफ्ट देना है वो दे रहे हैं। ये है मेरे हस्बैंड की बुआ है ये। हेलो, साइड में जैसे रोड पर है, साइड में। और उसके बाद ये है मेरी ननंद और ये है उनके बच्चे। बीच वाली ननंद है, बड़ी वाली ननंद उसके बाद आई है। और ये रहे दुल्हन के मम्मी, ये दुल्हन के मम्मी है। और ये रहे बड़े वाली ननंद, मेरे हस्बैंड से छोटे हैं। तो ये रहे इनके हस्बैंड, ये भी इनको टीका दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए। और उसके बाद आ गई थी सबसे छोटी वाली ननद, पर ये मेरी रियल ननद नहीं है, पर है तो फिर भी ननद ही है। और उसके बाद आ गई मेरी सास ससुर, ये भी रियल नहीं है पर फिर भी सास ससुर है। और उसके बाद आ गई मेरी छोटे वाली देवरानी, तो आप देख लीजिए। और उसके बाद आ गए हम। दुल्हन की विदाई होने के बाद, टीका देने के बाद हम लोग चले गए खाना खाने। तो यहाँ मुझे म्यूट रखना पड़ा क्योंकि डीजे की आवाज़ आ रही थी। तो अर्जुन भैया, स्पेशल आपके लिए ब्लॉग बनाया है कि आप बोलते थे कि मुझे आपके साइड की पहाड़ी जो धाम होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं मतलब हर चीज़ तो नहीं दिखा पाई आपको, पर जितना हो सकता था हो सका मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप देख लीजिए हम जो पहाड़ों में है इस तरीके से बैठते हैं। हमारे कोई सोफ़े वगैरह चेयर वगैरह नहीं होती, बस खुद ही बना लेते हैं। और हम जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, आटा लगा रहे थे और जो माश बना रहे थे उसको पीस रहे थे, वो माश हम इस सिड्डू के लिए बना रहे थे। मैंने आधा ही सिड्डू लिया है। हमारी जो पहाड़ों में डिश बनती है वो सिड्डू, घी और ये देखो खीरा सलाद के लिए दे रहे हैं, ये डिश होती है। बहुत सारी डिश बनती है, मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। और इस तरीके से हम देते हैं क्योंकि हमारे वो बड़े बड़े जैसे VIP होटल में होता है कि खुद जाके लेना, वैसा कुछ नहीं होता है। हमें एक जगह बैठना है और हमारे पास खुद आएंगे देने के लिए। तो ये रहे, ये मैंने सिड्डू खा लिया है। और ये है पूरी, रायता, खीर, घी, सिड्डू और पनीर की सब्ज़ी, हर एक डिश बनी थी। बाय बाय, ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।